राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी। आज प्रदर्शन का 38वां दिन है। आपको बता दें, यहाँ पर कुछ महिलाएं उपवास पर बैठी थी। आज यहाँ पर 3 महिलाओं की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। और इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद यहाँ पर ना एम्बुलेंस की सुविधा है, न किसी चीज़ की सुविधा है। महिलाएँ प्रदर्शन में लगातार डटी हुई है। हमारे साथ तमाम महिलाएँ जो है उपवास कर रही हूँ बैठी हुई, उनसे बात करेंगे। जी, अभी हमारे साथ एक हमारी महिला बड़ी बहन थी, गुलनाज बानो। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बीपी लो हो गया और उनके सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी, तो उनको भी हॉस्पिटल ले गया। और हमारी बहन रानी है, उनको भी बहुत तबीयत ख़राब, उनका भी बीपी लो, 3 लोगों को हॉस्पिटल ले गया यहाँ पर से। और एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया गया, बोलो कोई भी नहीं आया, रिक्शे पर लाद के हमारे भाई लोग उठा के ले गए सब लोग यहाँ से उसको। क्या उम्मीद लग रही है, आप लोग इतना संघर्ष कर रही हैं लगातार, यहाँ पर 1.5 महीना 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो क्या उम्मीद लग रही है, सरकार क्या करेगी? अभी तक तो सरकार ने कुछ नहीं करा है, आगे क्या उम्मीद लगाएं इनसे हम लोग। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कैसे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया? रिक्शे पे है। कैसे उन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाया गया, क्या इस रक्षक के नाम पे जो भच्चक बनी हुई सरकार बैठी है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है के फ़ोन करने पर भी एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई हमको। और बजाय इसके कि वो जो मुसीबत में इस वक्त महिलाएं थीं जिनकी जान पर बनी हुई है, उनको बलरामपुरिया मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता, लेकिन सही साधन न मिलने की वजह से यहाँ पास में जो हॉस्पिटल मिला वहाँ पे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हो सकता है कि अभी कंट्रोल हो जाए या रात वहीं गुजारनी पड़े, ये डॉक्टर ही तय कर पाएंगे। क्या मांग कर बैठी हैं, कब तक उपवास करेंगी, क्या मांग है सरकार से कि आप लोग का उपवास टूटा? देखिए, मैं बताऊं कि मांग तो वही है जिस मांग के लिए हमारे देश के जवानों ने अपने प्राण गंवा दिए। मांग वही है जिसमें जामिया मिलिया के जवानों ने अपनी जाने कुर्बान कर दी, तो किसी ने आँख कुर्बान कर दी, तो किसी अंधे के साथ अनर्थ हो गया। मांगे वही चल रही हैं जो एक काला कानून है, इसका खात्मा किया जाए। और वही मेरा हरा भरा हंसता खेलता भारत वैसे ही रहने दिया जाए, इसमें गोडसे नीति को ख़त्म किया जाए, वही बाबा साहब वाला संविधान हो और हम सब एक समान हों, इसी मांग को लेकर हम बैठे हैं। लेकिन ये निर्दया लोग जो बैठे हैं, निर्दयी लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये महज लोगों की जानों को खाना चाहते हैं, ये वैम्पायर हैं, ये ऐसे नरभक्षी हैं कि इनको इतने प्राणों की आहुति लेने के बाद भी चैन नहीं आ रहा है। इनसे क्या मांग की जाए सिवाय इसके कि इनसे दो टूक की बात की जाए और अपना इंसाफ मांगना नहीं, अब छीनने जैसा काम किया जाए। कुछ जानकारी मिली है कि आप लोग चक्का जाम करेंगी और ट्रेनों को बसों को रोकेंगी, क्या कुछ इस बारे में? देखिए, चक्का जाम और ट्रेनें और बसें, हम अभी इसके बारे में आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे मुल्क में चैन और अमन के विपरीत हो जाएंगी और ना ही अभी हमको इसकी ज़रूरत लग रही है। हाँ, प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करी है और यही करते रहेंगे, और इसके ज़रिए से बहुत सारे रास्ते हैं, हम स्टैंड लेते रहेंगे, तरह तरह से स्टैंड लेंगे और सामना करेंगे इन लोगों का कि इनको कम से कम पूरे संसार में बेइज्जत तो कर दें हम, इनकी नकाबें तो उतार दें हम। इन्होंने जो शराफत की दीवार उठाई है गुजरात में, वो दीवार हम गिरा दें। और देखिए कि कल वो जालिम जिसने ईरान के एक शहीद को शहीद कर डाला, जिसके बारे जिसने हिंदुस्तान की 41 नर्सों को आज़ाद करवाया था, उसके आने से एक दिन पहले गेट गिर गया, ये खुदा का कहर है इस जालिम हुकूमत पर। तो इस जालिम हुकूमत के पर्दे को फाश करना हमारा काम है, हिंदुस्तान में सुना जाए या न सुना जाए, लेकिन और मुल्क
सुन रहे हैं और इनकी असलियत को देख रहे हैं। घर पर प्रदर्शन में महिलाओं ने उपवास रखा और आज उपवास के कारण तीन महिलाओं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण यहाँ की जो महिलाएं, उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस जो सरकारी सुविधा है वो यहाँ पर नहीं मिली है महिलाओं को। और यहाँ पर रिक्शे से तमाम जो महिलाएं बीमार हुई थी उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। और महिलाओं का कहना है कि प्रदर्शन लगातार ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी। विशेष संवाददाता जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।